पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ये सबसे अहम व बड़ी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 11वीं कक्षा से शुरू होने वाली सभी पाठ्यक्रमों में लगभग 60 लाख छात्रवृत्तियां हैं और सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2013 से 2014 के दौरान 17.1% से बढ़कर वर्ष 2018 से 2019 के दौरान 23% हो गया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के लिए टाइपराइटिंग भत्ता इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार इस योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों के छात्रों के नामांकन करने का अभियान चलाया जाएगा और इन परिवारों के 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि SECC डेटा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़े के अनुसार यदि ऐसे परिवार जहां एक या दोनों माता पिता निरक्षर है या सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण छात्र है के आधार पर ऐसे छात्रों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों के छात्रों को शामिल किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए या इससे कम है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नववर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और समृद्धिशाली हो। और जिस तरह से 2020 में COVID-19 की एक महामारी पूरे विश्व में आई और जिसमें भारत और हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा और उसके चलते हुए हर वर्ग को, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, सभी का आर्थिक संकट आया है। और उसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री अलग अलग योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं ताकि लोगों को इससे कैसे उभारा जाए। और उसी के तहत एक जो SC के बच्चों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए एक योजना जो कि पुरानी चल रही है लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट उसमें प्रावधान किया गया है। और इस स्कीम के तहत लगभग 60 लाख छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 11वीं कक्षा से जो भी कोर्सेज शुरू होंगे उन लोगों को मिलेंगी और ये उन लोगों को मिलेंगी जो समाज में बहुत पुरस्त हैं और जो बच्चे 10वीं के बाद ड्रॉप आउट कर रहे हैं या जिनके माँ बाप निरक्षर हैं, मान लो फादर है या मदर दोनों हैं या एक है अनपढ़ है, उन लोगों को इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी या जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको दी जाएगी। और इसके तहत जो हमारे प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ किया जाएगा ताकि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनको पढ़ करके उन बच्चों का जो परिवार की आमदनी बढ़ सके इस पर भी जोर दिया जाएगा। और इन बच्चों का सर्वे, हम एक रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू पूरी स्टेट्स वगैरह जो भी UTs हैं सभी अपने प्रदेश के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा जो भी मिलेगा उसके अंदर ट्यूशन फीस है या आपकी मंथली मेंटेनेंस अलाउंस है या कोई अगर कोई वो कर रहा है, कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उसको टाइप अलाउंस है और कई चीज़ इसमें शामिल हैं, उन सबको ये सुविधा ऑनलाइन मिलेगी और सभी जो विद्यार्थी हैं उनके खाते में सीधा पैसा जाएगा। और इस स्कीम के तहत 60% सेंटर का शेयर होगा और 40% स्टेट का शेयर होगा। एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा इसमें कि जब बच्चे जो स्टाइफंड के लिए, स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर घूमते हैं तो एक अल्ट्रा मोड IT प्लेटफार्म भी इसमें बनाया जाएगा ताकि बच्चों को स्टाइफंड लेने के लिए इधर उधर ना घूमना पड़े और वो अपनी पढ़ाई
पे अच्छी तरह ध्यान दे सके, इन चीजों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।